नरेंद्र मोदी ने 2007 में एक किताब लिखी थी कर्मयोग नाम से, और उस किताब में उन्होंने दलितों के बारे में जो टिप्पणी की थी वो कितनी अपमानजनक है। ये बहुत आश्चर्यजनक है कि एक प्रधानमंत्री जो पहले मुख्यमंत्री रहा, वो व्यक्ति ये कहता है कि जो मल ढोने वाला है, जो सफाई करने वाला है, उसे आध्यात्मिक सुख मिलता है इसलिए वो सफाई करता है। मैं तो कहता हूँ कि जो RSS के लोग हैं, अमित शाह हैं, नरेंद्र मोदी हैं, ये इस सुख से वंचित क्यों हैं? तो इसीलिए दलितों पर अत्याचार हो रहा है, क्योंकि इनकी मानसिकता में है कि दलितों को किसी तरीके से कुचला जाए और उनको द्वयम दर्जे पर ला करके उन्हें गुलाम बना करके रखा जाए। देखिए, ये जो सरकार है उसकी मानसिकता है कि जो दलित वंचित तबका है उसको गुलाम बनाया जाए, लेकिन समस्या ये है कि बहन जी, न तो दलित एट्रोसिटीज़ के मसले पर खड़ी होती हैं और ना ही वो चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़ रही हैं, जनसभाएं उनकी नहीं होती हैं, तो दलित क्या करेगा? उसकी मजबूरी ये है कि वो करे तो करे क्या। वो आज भी बहन जी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहता है, लेकिन वो खुद ही नहीं निकलती हैं, इसलिए उसकी मायूसी है। नमस्कार, मैं नूरजा और आप देख रहे हैं जनहित आवाज़। तो हम आज बात करेंगे प्रोफेसर रविकांत जी से, जो राजनीति की समझ रखते हैं। जिस तरीके से दलितों के ऊपर जो आए दिन दुर्व्यवहार होता रहता है, अत्याचार होते रहते हैं, उसी को लेकर हम बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से दलितों के ऊपर दुर्व्यवहार होता रहता है? देखिए, ये जो सरकार है उसकी मानसिकता है कि जो दलित वंचित तबका है उसको गुलाम बनाया जाए, और ये ऊना से लेकर के हाथरस तक के केस में हम लोगों ने देखा कि सत्ताधारी जो सरकार है, जो पार्टी है, वो अपराधियों के पक्ष में खड़ी हुई थी और जो दलित वंचित तबके थे वो न्याय के लिए तरस रहे थे। इतना ही नहीं, ये पूरी मानसिकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने 2007 में एक किताब लिखी थी कर्मयोग नाम से, और उस किताब में उन्होंने दलितों के बारे में जो टिप्पणी की थी वो कितनी अपमानजनक है। वो उस किताब में पूछते हैं कि ये जो दलित तबका है, जो सफाई कर्मी है, वो सदियों से सफाई क्यों कर रहा है? और उसका जवाब देते हुए नरेंद्र मोदी कहते हैं कि दरअसल ये इसलिए कर रहा है क्योंकि इसे इसमें आध्यात्मिक सुख मिलता है। ये बहुत आश्चर्यजनक है कि एक प्रधानमंत्री जो पहले मुख्यमंत्री रहा, वो व्यक्ति ये कहता है कि जो मल ढोने वाला है, जो सफाई करने वाला है, उसे आध्यात्मिक सुख मिलता है इसलिए वो सफाई करता है। मैं तो कहता हूँ कि जो RSS के लोग हैं, अमित शाह हैं, नरेंद्र मोदी हैं, ये इस सुख से वंचित क्यों हैं? तो इसीलिए दलितों पर अत्याचार हो रहा है, क्योंकि इनकी मानसिकता में है कि दलितों को किसी तरीके से कुचला जाए और उनको द्वयम दर्जे पर ला करके उन्हें गुलाम बना करके रखा जाए। लेकिन अब अगर उस सिनेरियो को देखें तो वो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि ये जो चर्चाएं चल रही हैं पिछले 2-3 सालों से दलित प्रधानमंत्री, क्या लग रहा है वो है? देखिए, ये बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था। वो 25 नवंबर 1949 को अपने संविधान सभा के आखिरी भाषण में बिल्कुल अंत में उन्होंने कहा है कि ये जो दलित वंचित तबका है, ये गुलामी का बोझा ढोते ढोते थक चुका है, अब इसको सत्ता चाहिए। और इस सपने को ज़मीन पर साकार करने की कोशिश की थी माननीय कांशीराम ने, और उन्होंने कहा था कि दिल्ली के लाल किले पर दलित तिरंगा फहराएगा, लेकिन वो सपना आज तक पूरा नहीं हुआ। और इस दरमियान पिछले 2-3 साल में ये इशू बहुत तेज़ी से उठा। BSP के तमाम लोग इस बात के लिए कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से गठबंधन की सरकार हो और उसमें मायावती प्रधानमंत्री बने, या कांग्रेस पार्टी ने जब से मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है तब से मीडिया में भी और दलित जातियों में भी ये बात चल रही है कि हो सकता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को पहला भारत का दलित प्रधानमंत्री बना जाए। पिछले 2-3 दिन पहले ही शशि थरूर ने भी ये बयान दिया था कि अगर इंडिया अलायंस सरकार बनाती है तो मल्लिकार्जुन खड़गे पहले दलित प्रधानमंत्री हो सकते हैं भारत के। सर, लेकिन जैसे जिस हिसाब से देखा जा रहा है कि यानी किसी भी राज्य में वो जातियों में बटे हैं, तो वो फिर कैसे बनाएंगे? देख, भले ही वो दलित जातियों में बटा हो, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर, उनका सपना, उनकी विचारधारा के जरिए वो एक सेंटिमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है। और जब भी, जैसे आज बहन जी का भले ही जनाधार बहुत कम हो गया हो, लेकिन उनके बारे में एक भी अगर टिप्पणी आती है तो पूरा दलित समाज एकजुट हो जाता है। वैसे ही
अगर ये सेंटिमेंट्स आता है, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर के चर्चा होने लगी थी, सारे दलित समाज में ये चर्निंग हो रही थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे पहले दलित प्रधानमंत्री हो सकते हैं, तो दरअसल ये सेंटिमेंट्स का सवाल है। मुझे लगता है कि भारत में दलितों के अलावा और किसी समाज में इस तरह के सेंटिमेंट्स नहीं हैं, और इसीलिए दलित सबसे ज़्यादा एकजुट, सबसे ज़्यादा चेतना संपन्न दिखाई पड़ता है, और यही वजह है कि आज वो हिंदुत्व के सामने सबसे मजबूती के साथ लड़ रहा है। देखिए, नेताओं के बारे में न तो बाबा साहब अम्बेडकर को इस तरह का विश्वास था कि वो एकजुट होंगे कभी, मानवर कांशीराम ने तो चमचा योग ही लिख दिया था, ये जो तमाम लोग हैं जो विभिन्न पार्टियों में हैं ये चमचे का काम करेंगे। आज भी जो दलित नेता हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी में हों या दूसरे और पार्टियों में हों, वो उसी तरह का काम कर रहे हैं। वो मुंह पर पट्टी बांध करके कभी दलित एजेंडे की बात नहीं करते हैं, वो केवल अपने हित की बात करते हैं कि उनको टिकट मिलेगा और वो पार्लियामेंट जाएंगे। यही वजह है कि दलित जो समाज है वो थोड़ा सा मायूस है और दलित नेता उनके बिकाऊ दिखते हैं, लेकिन समाज की जहाँ तक बात है मुझे लगता है कि वो बेहद चेतना संपन्न है और वो इस सेंटिमेंट्स के साथ तो बिल्कुल लीडरशिप कहीं ना कहीं बदलनी चाहिए, लीडरशिप में बदलाव आना चाहिए। डेफिनेटली लीडरशिप बदलेगी भी, और जिस तरह से नौजवान पीढ़ी आ रही है, चाहे महाराष्ट्र में प्रकाश अम्बेडकर हों या उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर हों, ये जो उम्मीदें दिख रही हैं लोगों को कि जो नौजवान पीढ़ी है वो अब आएगी और नए विज़न के साथ आएगी, उस एजेंडे के साथ आएगी कि जिसमें वो आक्रोश नहीं होगा। वो नहीं लगता कि जो वोट का बिखराव हो जाएगा, फिर से वही तमाम लोग हैं, फिर से सत्ता पे आसीन हो जाएंगे जो अभी वर्तमान में है? नहीं, ये देखिए, वोट का बिखराव उस तरह, जिस दिन कोई दलित लीडर ठीक ढंग से अगर आएगा, मुझे लगता है कि वो दलित फिर से एकजुट हो जाएगा। वो बिल्कुल जुड़ी हुई हैं, लेकिन समस्या ये है कि बहन जी न तो दलित एट्रोसिटीज़ के मसले पर खड़ी होती हैं और ना ही वो चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़ रही हैं, जनसभाएं उनकी नहीं होती हैं, तो दलित क्या करेगा? उसकी मजबूरी ये है कि वो करे तो करे क्या, वो आज भी बहन जी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहता है लेकिन वो खुद ही नहीं निकलती हैं, इसलिए उसकी मायूसी है। जिस तरीके से आपने देखा, ये प्रोफेसर थे जो राजनीति की समझ रखते थे, उन्होंने दलितों के बारे में बताया जो दुर्व्यवहार हो रहा है उनका, तो आप इनकी बात से कितना सहमत हैं? हमें ज़रूर बताइएगा, और देखते रहिए जनहित आवाज़।